नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के कुछ जो टॉप कंपनियां हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 शेयर बताया था, 6 शेयर, जिसमें से आपको बताया था कि ये सारे शेयर जो है कितने परसेंट रिटर्न दिए थे। उसमें कई सारे लोगों ने पूछा आपका फेवरेट शेयर कौन सा है, आप अपना खुद का बताइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एफएमसीजी सेक्टर के और 4 शेयर बताने जा रहे हैं। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हमारा सबसे फेवरेट शेयर कौन सा है जो एफएमसीजी सेक्टर का शेयर है। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे फेवरेट शेयर है इस टाइम वो है जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड। जुबिलेंट फूड वर्क देख लीजिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो यहाँ से आप जुबिलेंट फूड वर्क का रिटर्न देखेंगे तो 10 ईयर्स में ये आपका जो रुपया है उसको क्या है 18 टाइम्स। तो यहाँ देख सकते हैं 1854% का रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। अगर आप 2010 में इन्वेस्ट किए रहते तो दोस्तों कितना टॉप क्लास का ये स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि हर साल आपके रुपया को 2 गुना किया है और कुल मतलब पिछले 9 से 10 सालों में आपके रुपया को 18 से 19 गुना किया है। और डिविडेंड भी अच्छा खासा देख सकते हैं 0.27%। तो थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड कम है। डिविडेंड यील्ड होता है कि आप जितना इन्वेस्ट किए इस मतलब इस कंपनी में उसका इतना परसेंट आपको हर साल डिविडेंड के रूप में कंपनी देती है। तो 0.27% हर साल आपको डिविडेंड के रूप में पे करे। अगर 1% हो तो काफ़ी बेहतरीन होता है कि मतलब आप जो इन्वेस्ट करते हैं FD में लगाते हैं रुपया को तो आपको 5% से लेकर 7% तक मिलता है। तो यहाँ पर आपको अगर 1% डिविडेंड यील्ड के रूप में मिल जाए, मतलब डिविडेंड के रूप में मिल जाए तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है और साथ साथ ग्रोथ का रिटर्न भी मिलता है हमें लॉन्ग टाइम में। जुबिलेंट फूड वर्क एक काफ़ी बेहतरीन शेयर है जो उसमें आप अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं आने वाले समय में। तो जो आने वाला समय है उसके अनुसार हमारा जो सबसे पसंदीदा शेयर है वो है जुबिलेंट फूड वर्क। तो 4 शेयर इसमें बताने जाए, आप अपना जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए, हम इसमें 4 शेयर में 2 शेयर हमारा काफ़ी फेवरेट है तो दोनों शेयर के बारे में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद दूसरा शेयर जो है एफएमसीजी सेक्टर से वो है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। कोलगेट ये काफ़ी बेहतरीन शेयर है और देख सकते हैं इसका चार्ट कितना सॉलिड आपको दिखेगा। और यहाँ से अगर हम बात करें 2003 से 2002 से, उस समय से ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। काफ़ी बार इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई लेकिन दोस्तों लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। साथ ही साथ ये सारे स्टॉक डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देते हैं और साथ साथ बोनस शेयर आपको रेगुलर रूप में इन सब शेयर में मिलता है। और इसका डिविडेंड यील्ड देख लीजिए कितना शानदार है 2.26%। तो आप 5% से 7% के लिए FD में मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे भी देखते हैं FD के आधा आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिल रहा है हर साल। साथ ही साथ आपको ग्रोथ का रिटर्न भी मिल रहा है, तो ग्रोथ का भी मिल रहा है और साथ ही ये सारी कंपनियाँ जो इंडिया की काफ़ी एस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ हैं जिसमें आपको एकदम नियमित रूप से रिटर्न प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप बात करें 2020 से मतलब पिछले 20 सालों में बात करें, पिछले 20 साल में ये 2000% का रिटर्न दिया है, मतलब हर साल आपका रुपया को है डबल किया है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ऐसे जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, इवर ग्रीन सेक्टर मानी जाती है, मतलब इसमें आपको गिरावट की संभावना किसी भी पैंडमिक का असर जो है काफ़ी कम देखने मिलता है। तो 2000% का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है जो कोलगेट है और इसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल जाता है तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करें और काफ़ी बेहतरीन है। और हम चलते हैं अब हम अपने दूसरे जो सबसे फेवरेट शेयर है इस सेक्टर से, वो है हमारा डाबर इंडिया। ये हमारा दूसरा सबसे फेवरेट शेयर जुबिलेंट फूड वर्क के बाद, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लाता है जिसका डिमांड जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक्स और ज़्यादा अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। अगर इसमें बात करें पिछले 20 से 21 सालों में यह 7000% का रिटर्न, 7000% मतलब 70 गुना आपके रुपया को किया है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसमें चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डाबर भी काफ़ी बेहतरीन शेयर में से एक है और इसका भी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.64%। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो 0.64% जो कि काफ़ी बेहतरीन मतलब डिविडेंड है और इतना परसेंट मतलब डिविडेंड यील्ड होता है कि जितना आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसका 0.64% आपको डिविडेंड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बाटा इंडिया, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर में से एक है। तो हमने आपको बता दिया कि हमारा 2 फेवरेट शेयर है एफएमसीजी सेक्टर से, जुबिलेंट फूड और डाबर इंडिया। डाबर इंडिया ये भी काफ़ी बेहतरीन है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ज़्यादा बनाती है और आपको
कम से कम तो 2-3 शेयर चुनने चाहिए, 2 या 3 शेयर किसी भी सेक्टर से उन्हें 3 शेयर जरूर चुनें, क्योंकि हो सकता है एक परफॉर्म नहीं किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा आपका परफॉर्म कर दे, एक शेयर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे देता है, तो निश्चित है कि आप अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और सब में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपका बराबर अमाउंट होनी चाहिए, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो तीनों में 50-50 करें। इसी तरह से आपको FMCG सेक्टर, IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, तो सारे सेक्टर से स्टॉक चुनना है और 3-3 स्टॉक चुनते हैं और तीनों में इन्वेस्ट करना है आपको। तो दोस्तों बाटा इंडिया ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, तो ऐसे हम बात करें तो ये FMCG सेक्टर से नहीं है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो फुटवेयर है, तो फुटवेयर प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो जो हमारा है ये बाटा इंडिया FMCG में नहीं आती है, लेकिन जो हमारा डेली का यूज का सामान है जैसे फुटवेयर है उसके प्रोडक्ट बनाती है, तो बाटा इंडिया में भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये मतलब इस वीडियो को बनाते समय ये स्टॉक भी हमारा सर्च में आ गया था, तो इसको भी मैंने ले लिया। देख सकते हैं अगर 2001 से 2020 तक की बात करें तो ये स्टॉक जो है रिटर्न दे चुका है आपको काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा 12,000% का रिटर्न, 12,000% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। तो दोस्तों बाटा इंडिया में चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गिरावट पे इन्वेस्ट करनी चाहिए तो अभी स्टॉक ये बिल्कुल गिरावट पे आपको मिल रही है, 2,000 रुपीज का स्टॉक था, अभी आपको मात्र 1,300 रुपीज में ये मिल रहा है। तो जब गिरावट में स्टॉक मिल रहा है मतलब सस्ते वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिल रहा है तभी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। और इसमें देख लीजिए डिविडेंड है 0.3% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब आपको जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका 0.3% आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। तो ये 4 बेहतरीन स्टॉक्स थे इस वीडियो में, जिसमें से 3 FMCG सेक्टर से था, डाबर इंडिया, कोलगेट और जुबिलेंट फूड, जिसमें से डाबर इंडिया और जुबिलेंट फूड को हम FMCG सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ये स्टॉक आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है हमें, तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी गिरावट में आपको मिलती है तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। डाबर का भी करेंट प्राइस है 526 रुपया, कोलगेट का करेंट प्राइस है 1507 रुपया, और जुबिलेंट फूडवर का करेंट प्राइस है 2,257 रुपया, मतलब 2,257 रुपीज़, और बाटा का भी करेंट प्राइस है 1,338 रुपीज़। और दोस्तों काफ़ी सारे मतलब डिस्काउंट मिल रहे हैं इन सभी स्टॉक्स पे, देख सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स जो अभी जुबिलेंट फूडवर्क जैसे अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कोलगेट में मिल रहा है और बाटा में मिल रहा है, तो इन सब स्टॉक पे चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ डाबर में भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला, ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।